हमारे समाज के कई लोगों ने पढ़ाई में असफल होने के बावजूद भी ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो औरों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि कुछ बड़ा और अनोखा करने के लिए किसी बड़ी डिग्री की ही जरूरत नहीं होती है। यदि ऊंची सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी शख्स इस दुनिया का कठिन से कठिन काम करने में अवश्य सफल होगा। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्स को लेकर है जिन्होंने 8वीं कक्षा में फेल होने के बावजूद भी महज 22 साल की उम्र में करोड़ों का कारोबार किया। इतना ही नहीं, आज इस शख्स के इशारे पर CBI, रिलायंस और अमूल जैसी दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। मात्र 23 वर्ष के तृष्णित अरोड़ा आज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तथा करोड़ों का कारोबार करने वाली साइबर सिक्योरिटी फर्म DAC के CEO हैं। लुधियाना के एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े अरोड़ा को बचपन से ही पढ़ाई में कम और कंप्यूटर में ज्यादा दिलचस्पी थी और पूरे दिन कंप्यूटर में हैकिंग सीखने की वजह से उनकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, जिससे वह 8वीं क्लास में फेल हो गए। रिजल्ट आने के बाद माता पिता से डांट और दोस्तों के बीच उपहास का पात्र भी बने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कंप्यूटर में अपनी रुचि बरकरार रखते हुए रेगुलर पढ़ाई छोड़कर 12वीं तक प्राइवेट संस्था से पढ़ाई करने का फैसला किया। त्रिस्नित ने अपने पैशन कंप्यूटर में ही अपना कैरियर बनाने का निश्चय किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात नई नई जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन इन्होंने हैकिंग में अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए यह साबित कर दिया कि कैसे आपकी कंपनियों का डाटा चुराया जा रहा है और वर्तमान में हैकिंग के क्या तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे इनके काम को सराहना मिलनी शुरू हो गई और हैकिंग की दुनिया में इनका नाम छाने लगा। और फिर उन्होंने महज 21 साल की उम्र में ही एक साइबर सिक्योरिटी फर्म TAC की आधारशिला रखी। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि आज वह रिलायंस, CBI, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस और अमूल जैसी दिग्गज कंपनियों को साइबर से जुड़ी सर्विसेज दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आज उन्होंने हैकिंग विद त्रिस्नित अरोड़ा, द हैकिंग एरा और हैकिंग विद स्मार्टफोन जैसी प्रसिद्ध किताबें भी लिखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कंपनी TAC आज दुनिया भर के 50 फॉर्च्यून और 500 से ज्यादा कंपनियों को अपना क्लाइंट बना चुकी है और दुबई और UK में भी इनके वर्चुअल ऑफिस हैं। और अब इनकी नज़र अपने बिजनेस को US ले जाने की है और आने वाले कुछ ही दिनों में उनका लक्ष्य कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ तक पहुंचाना है। साल 2013 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इन्हें सम्मानित किया और साल 2014 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा गणतंत्र दिवस पर इन्हें स्टेट ऑफ आइकन अवार्ड दिया गया। जिस उम्र में आम बच्चे अपनी जिंदगी के लक्ष्य को निर्धारित करने को लेकर सोचते रहते हैं, उस उम्र में त्रिसित ने करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दुनिया भर में नाम कमाया है। और सबसे खास बात यह है कि इस लड़के ने इतना कुछ कर पाया सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी और इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों की बदौलत। उनका मानना है कि स्कूली पढ़ाई को उतना ही महत्व दीजिए जितना जरूरी है, यह जीवन का हिस्सा है लेकिन पूरा जीवन नहीं। अपने पैशन को ही अपनी ताकत बनाओ और पूरी ईमानदारी और जुनून से अपने सपनों को हासिल करने में लग जाओ। वो कहते हैं ना कि वक्त भी झुककर रहेगा तो कदम बढ़ाकर तो देख, सफलता मिलकर रहेगी बस तू एक जुनून जगा के तो देख।